नमस्कार दोस्तों, सफर बाबा भाई मुकेश जी में आप सबका स्वागत है। यार बच्चों, आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि यदि आप कोई काम सीखेंगे तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे? अभी तक तो हमने तो ये सुना था, या हमने तो जो भी ट्रेनिंग ली थी, जैसे मैं रेडियो रिपेयरिंग करने सीखने गया तो मुझे वो फीस देना पड़ी, तब मैं रेडियो रिपेयरिंग का कोर्स कर, या मैं मोबाइल रिपेयरिंग करने का जब मैं किसी भी संस्था में कोर्स करने गया तो मुझे पैसे देना पड़ा। लेकिन आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान आपके लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना लेके आए। क्या नाम है? सीखो कमाओ योजना। मतलब आपको सीखना भी है और कमाना भी है, मतलब सीखो और पैसे भी लो, कमाओ भी से, है ना। अब आपको मालूम है कि हमने पढ़ तो बहुत लिया, बहुत डिग्री ले ली, हमने 10वीं कर लिया, 12वीं कर लिया, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, है ना, एमबीए कर लिया, और डिग्री लेके नौकरी के लिए भटक रहे सब जगह। आप अच्छी तरह जानते हो कि एक रिक्शा वाला, ई रिक्शा चल गया अच्छा, देखा आपने, उसको ड्राइविंग आती है, वो दिन भर में 1000-1500 वो लाख रुपये कमा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ड्राइवरी की स्किल है। ये आपने देखा कि एक अच्छी सी कचौड़ी समोसे बना लेता है, जिसपे स्किल अच्छा, बढ़िया खाना बना लेता है, वो देखोगे आप उसकी दुकान में भीड़ लगी रहती है और ढेर सारा पैसा। या आपके घरों में कभी कोई एक नल टूट जाए तो आप क्या करते हैं? एक मैकेनिक को बुलाते हैं। आप देखते हो अनपढ़ रहता है, अधिकतर तो भूखा घर लेता है, लेकिन वो आता है आपका नल ठीक करता है, 300-400 रुपए लेके चला जाता है, ठीक है। और हम वही पढ़े लिखे लोग डिग्री लेके 8000-10000 रुपए की नौकरी ढूंढते रहते हैं। 8000-10000 रुपए महीने का मतलब क्या? 200-300 रुपए की नौकरी ढूंढते रहते हैं। और वो बंदा जिसके पास स्किल है, वो इलेक्ट्रीशियन, लेकिन हमारे दो लाइट के स्विच खराब हो गए, हम उसको बुलाएंगे और 200-300 रुपए लेके जाएगा, एक घंटे आधे घंटे लग जाएगा। मतलब जिसके पास एक छोटी सी स्किल है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल है। एक कंप्यूटर पर टाइप करने वाला टाइपिस्ट, आप देखोगे भर में उसका भीड़ लगने की वजह A4 का कागज में 10-20 लाइन टाइप करता है, 50 रुपये ले लेता है 10 मिनट के अंदर, तो दिन भर में 1000 रुपये कमा जाता है, क्योंकि उसको टाइपिंग की स्किल आती है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें कई काम करते हैं, हमारा मोबाइल खराब हो गया, बंद हो गया, पानी बंद किया, हम जाते दुकानदार के पास, वो बोलता साहब 2000 रुपये लगेंगे। अब चूंकि हमने मोबाइल आते ही रिपेयरिंग करना, 2000 रुपये हमारी मजबूरी दिया आपने, ठीक है। तो क्या है कि केवल डिग्री से काम नहीं चलना है, अब आपको स्किल लाना पड़ेगी, ठीक है। और स्किल के लिए माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बढ़िया आपके लिए सुना का अवसर दिया है, 18 से 29 साल तक के युवाओं के लिए। कितने साल के लिए? 18 साल से 29 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं वो 703 क्षेत्रों में, अलग अलग 703 सेक्टर हैं जहां वो स्किल प्राप्त कर सकता है, और साथ में स्टाइफंड के रूप में उसको पैसे भी मिलेंगे। मतलब काम का काम सीखोगे, पैसे के पैसे मिलेंगे। कितनी अच्छी बात है ये, सरकार ने आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है कि आप घर पे बैठ के खाओ, ये बात नहीं, सरकार आपको कर्मशील बनाना चाहती है, वो चाहती है कि आप 8-10 हजार दे दो, आप स्किल सीखो और 8-10 हजार खोज रहे हो, है ना। यदि आपने कंप्यूटर में काम करना सीख लिया, घर बैठे आपने डिजाइन बनाना सीख लिया, आप ऑनलाइन पूरी दुनिया की डिजाइन घर बैठे कर सकते हो, तो खूब लाखों रुपए छाप सकते हो। इसलिए इस योजना में जरूर अपना पंजीकरण कराएंगे और सीखिए स्किल को। सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या विचार है। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती है, वो कहते हैं चिड़िया अपने बच्चों को रहने का घोंसला नहीं देती है, वो उसे पंख देती है ना, ताकि वो उड़ सके, खुद उड़ सके और अपना काम खुद कर सके। इसलिए बेरोजगारी भत्ता देना बेमानी है, वो बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, आप घर में थोड़े पैसे दो और आलसी निकम्मे बनो, नहीं,
युवाओं को काम सिखाएंगे और उसके बदले में पैसा देंगे, काम का काम सिखाएंगे और पैसे भी देंगे, इतनी बढ़िया बात। हमारे भाई जैसे थे नहीं, क्योंकि हमारे तो जैसे काम का होते, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहना है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, सीखो भी कमाओ भी, मतलब आप सीखो है ना। यदि आपको टेलरिंग आती है, कोई महिला है घर में है ना, उनको छोटा मोटा टेलरिंग काम आता है, तो सरकार द्वारा वो जो प्रशिक्षण केंद्र रहेंगे उसमें जाए, सिलाई का पूरा प्रशिक्षण ले, तो साथ में सरकार उनको जब तक सीखेगी 8,000 रुपये 10,000 रुपये उसकी योग्यता के आधार पर देगी किसी, कितनी अच्छी बात है, मतलब सीखने के लिए पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर सीखने जाओगे आप कहीं भी, सरकार पैसे देगी, सीखो भैया कंप्यूटर, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगली बात, इसके बाद हम अगला पॉइंट पाएंगे। हम आपको बता दिए मैंने 18 से 29 वर्ष के युवा इसके योजना के पात्र हैं। ठीक है, प्रशिक्षण के लिए 703 कार्य क्षेत्र है, मतलब ऐसा नहीं 307 कोई नर्सिंग का काम करना चाहता है, कोई होटल मैनेजमेंट का काम सीखना चाहता है ना, कोई लेथ मशीन के काम करना सीखना चाहता है, कोई बढ़ई का काम सीखना चाहता है, कोई मिस्त्री का काम सीखना चाहता है, बहुत सारे वर्ग, कोई वेब डिजाइनिंग का काम करना चाहता है, कोई आपके डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं। यदि वो कोर्स आप सीखोगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे और आप उस कोर्स में पागल में करके लाखों रुपए कमाएंगे भी सही। चलिए अब इसमें कितना कितना पैसा मिलेगा, यदि आप 12वीं पास है, मतलब कम से कम 12वीं पास हो अच्छी तरीके, आप स्किल को अच्छी तरीके सीख पाओ, तो अगर आप सरकार ने 12वीं पास क्यों रखा, ताकि हर बच्चा कम से कम 12वीं तक तो पढ़े, ठीक है ना, सरकार का उद्देश्य दूसरा भी है, साक्षरता बढ़ाना, बच्चों की शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना भी सरकार का मेन उद्देश्य दिख रहा हमको। यदि बच्चा 10वीं पास करके आईटीआई हुआ है, तो अगर आईटीआई है तो उसको 8,500 रुपये, मतलब अगर कोई बच्चा आईटीआई करके आया है, ठीक है, अगर आईटीआई करके आया है तो उसको कितने मिलेंगे, आईटीआई वाले को 8,500 रुपये, ठीक है, आईटीआई वाले को 8,500 रुपये, ठीक है, 12वीं पास है उसको 8,000 रुपये, क्या बोल रहे हैं, जब आप 12वीं उत्तीर्ण को 8,000 रुपये, 12वीं उत्तीर्ण को 8,000 रुपये, लेकिन अगर आईटीआई है तो उसको 8,500 रुपये, और अगर डिप्लोमा किया है ना, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा 10वीं पास के बाद अगर उसको पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है तो उसको 2,000 रुपये। अब मेरे दूसरे बच्चे बोलेंगे कि साहब मैंने तो ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो सरकार ने कहा बच्चा तेरी व्यवस्था है तो उसके लिए सरकार ने 10,000 रुपये प्रतिमा देने की बात कही है, कितने 10,000 भाई, ठीक है तेरी योग्यता ज्यादा है, 10,000 रुपये दे और काम सीखने जा, मैं तो सरकार पैसे के लिए काम सीख, कितनी अच्छी बात है, मजा आ जाएगा। अगर मेरे मध्य प्रदेश में इस एज के 18 साल से नीचे है, अगर 29 साल की जितने भी बच्चे हैं सबको रजिस्टर करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ सबको स्किल सीखना चाहिए, हर पैसे का पैसे मिलते काम का काम सीखो, ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, फिर आप चाहो अपना कारखाना खोल सकते हो, अपना उद्योग खोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब कुछ, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आवेदन करने के लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, मतलब किन किन बच्चों को पात्र माना गया है, पहली बात मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए, मूल निवासी का प्रमाण पत्र लगेगा आपका, ध्यान रखना, अगर आपके पास नहीं है तो आप जाओ अपना जो भी जिला कलेक्टर कार्यालय होता है वहां पर मूल निवासी प्रमाण पत्र बनता है, वहां से बनवा लो, एमपी ऑनलाइन से बनता हो वहां जाके देख लो, है ना, कियोस्क सेंटर वगैरह कहीं भी तलाश कर लो, वहां से बन जाओ। उम्र बताइए 18 से 29 वर्ष होनी चाहिए, कोई लड़का लड़के दोनों आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपका, है ना, आधार कार्ड सकता ही, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, नियत फटाफट आप जो है उसको खिंचवा लो, समग्र आईडी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, निवास का प्रमाण पत्र, कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका, आयु का प्रमाण पत्र, 10वीं मार्कशीट होगी दर्ज जाएगी, यदि आप 12वीं पास है तो 10वीं मार्कशीट लगेगी, 10वीं मार्कशीट करेगी आपने तो आपका आयु प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति के लिए बनाते ही है, सभी के पास होगा जाति प्रमाण पत्र, वो लग जाएगा, मोबाइल नंबर, बिना मोबाइल के तो आजकल के बच्चे युवा रहते ही नहीं, मोबाइल फोन के लिए खिलौना होते ही नहीं, ये सब चीजें आपको चाहिए, ठीक है। चलिए अब
इसका रजिस्ट्रेशन करना आप लोगों को। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहाँ जाएंगे आप? कहीं भी अपने पड़ोस में कहीं भी आना चले जाए समझदार आपको मोबाइल से कर लो, अगर आपको आता हो तो इस पोर्टल पर जाना है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसको बेटा गलती मत करना। इसलिए अगर आपको समझ नहीं आया तो किसी एफ डी आर लाइन पर जाना, किसी वीडियो सेंटर चले जाना, कियोस्क सेंटर वाले से समझ लेना, ठीक है, या जो कंप्यूटर वहाँ करता है उससे समझ लेना, या जो मोबाइल का इन सब चीज़ों का उपयोग करता है समझ लेना, गलती नहीं होना चाहिए। तो शासन ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MMSKY.MP.GOV.IN। आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आप इस पर आवेदन करेंगे तो क्या होगा, इस वेबसाइट पर, ये पोर्टल पर आप जैसे क्लिक करेंगे कि यहाँ पर एक लिंक खुल जाएगी, उस लिंक पे आपका आवेदन खुलेगा। उस आवेदन में आपको अपना नाम डालना होगा, आपकी ID, आपका मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी लगती है आजकल, मालूम है ना ईमेल आईडी क्या होती है, मालूम है ईमेल आईडी क्या होती है? जैसे अभी आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, जहाँ आपके डाक आती है पोस्ट में आता है, जैसे कुछ भी नाम है, मोहनलाल शर्मा, मकान नंबर 24, गली नंबर 3, उज्जैन, है ना, ये हो गया हमारा पोस्टल एड्रेस। लेकिन ईमेल आईडी आपको कहाँ लगती है, जहाँ आपको फेसबुक चलाना, तो फेसबुक चलाते हो तो ईमेल आईडी होगी, है ना, सब जगह लगती है आजकल, गूगल पे लगाओगे तो आएगी, है ना, सब जगह यूट्यूब चलाओगे तो कौन लगेगी, तो ईमेल आईडी आपकी सकती है, उसका पासवर्ड वगैरह याद रखना, ठीक है, तो वो भी होना चाहिए आपकी। फिर मोबाइल पर आए ओटीपी के द्वारा फॉर्म सबमिट करना, मोबाइल पर ओटीपी आएगी, ओटीपी नंबर डालेंगे तो आपका फॉर्म का वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपके जो जो दस्तावेज मांगेंगे वो आपको अपलोड करना होगा, कौन कौन से दस्तावेज अभी मैंने आपको बताया था, है ना, ये दस्तावेज जो आपके थे वो दस्तावेज आपको, ये आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब आपको वहाँ स्कैन कर करके डालना होगा, ठीक है। चलिए अब आपको कौन कौन से क्षेत्र में ट्रेनिंग देंगे, 703 क्षेत्र जो बताए थे मैंने, ये 703 क्षेत्र है, सरकार ने 703 क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, किसको कहते हैं, हम तो नाम भी याद नहीं कर पाएंगे, इतने बड़े क्षेत्र में सरकार आपको ट्रेनिंग दे सकती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, इंजीनियरिंग में ये उत्पादन करना कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारी होती है, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के लिए आपको ईयरफोन बनाना है, माइक बनाना है, मोबाइल की डिवाइस बनाना है, मोबाइल के कवर बनाना है, है ना, बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में होती है। मैकेनिकल में, मैकेनिकल में होता आपको मशीन बनाना, कोई भी मशीन बनाना, कोई भी डाई बनाना, ये जल्दी पहले लोहा काम करते थे वैसे मैकेनिकल नई नई डाई बनती है वो बनाना। सिविल वर्क, सिविल में क्या है आपको, ईंट की चुनाई करना, प्लास्टर करना, है ना, कैसे उसको से आपको पालन भरे करना, बीट भरे करना, मकान बनाना, रोड बनाना, ये सब सिविल वर्क के वहाँ भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो जिसमें आपकी रुचि हो। प्रबंधक मतलब आपको मैनेजर बनने का शौक है कि भैया मैं तो मैनेजर बनूंगा, आई का मतलब होटल में मैनेजर बन के बैठूंगा, या मैं तो जो है कोई बड़ी कंपनी है मैनेजर बनूंगा, जैसे साबुन की कंपनी, तेल की कंपनी, मेहंदी की कंपनी, पेस्ट की कंपनी, है ना, बहुत सारी कंपनियां, पेन बेचने की कंपनी, तो ऐसी जितनी भी जो हमारे घर में रोज हम सामान खरीदते हैं उनकी जो कंपनियां होती है उसका मैनेजर बनना हो तो उसका भी आपको प्रबंधन में जो है आपको ट्रेनिंग सेंटर ट्रेन दी जाए। फिर ऐसे क्षेत्र मतलब गिग इकोनॉमी मतलब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र, ये टेक्नोलॉजी वाले। अब सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, टूरिज्म में भी क्या, जैसे कि आपको कैसे टूरिज्म का आयोजन करें, कैसे धार्मिक यात्राओं को इन्वाइट लोगों को उसका मैनेजमेंट कैसे करें, कहाँ उनको ठहरने की व्यवस्था करें, कहाँ उनको भोजन पानी की व्यवस्था करें, कितना पैसा दें, कौन सी बस करें, इस प्रकार टूरिज्म, जैसे उज्जैन में महाकाल लोग बन गया, अब रोज 2-3 लाख कंपनी आ रही है, पूरे देश से आ रही है ना, तो अब उसमें टूरिज्म को मैनेजमेंट करना, उज्जैन के अंदर बहुत बड़ा काम है टूरिज्म का, है ना, लोग दिन भर घूमने जाते हैं, पूरे क्षेत्र के हमारे पर्यटन स्थल धार्मिक वहाँ जाते हैं, तो उसको कोई कोर्स कर लो, गाइड बन जाओ, किसी के बारे में समझाना। फिर ट्रेवल हो गया, अस्पताल, अस्पताल में भी आपके जो है बहुत सारे काम होते हैं, अस्पताल संबंधित सेवाएं सीख लो आप कोई भी,
कि भाई आपको जो है अपेंडिक का काम कैसे करते हैं, नर्सिंग का काम कैसे करते हैं, ये सब आपको छोटी ट्रेनिंग देंगे और ट्रेन करेंगे। आईटी सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत बड़ा चीज है, तो सी प्लस मजा आ जाए सॉफ्टवेयर बनाना। जैसे कि लोग मोबाइल चल रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है ना, आप जो मोबाइल देखते हो सॉफ्टवेयर नहीं चलते, तो सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर अगर आप बनाना सीखते ना तो करोड़ों रुपये कमाओगे। एक सॉफ्टवेयर बना दिया आपने, जैसे आप रेलवे टिकट पर रेलवे पर जाते टिकट लेने, तो जैसे खुलता है सॉफ्टवेयर देता है, इसकी जो फीस भर जाता है कंप्यूटर खुलता सॉफ्टवेयर देता है, आपकी मार्कशीट जिसे बनती है सॉफ्टवेयर देता है। आजकल हर चीज सॉफ्टवेयर में होती है, जितने भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में चलते हैं वो सब एप्लीकेशन है, और जो आपके कंप्यूटर चलते सब सॉफ्टवेयर है, तो उस क्षेत्र में भी आपको बहुत सीखने को मिलेगा। रेलवे में भी बहुत सारे तरीके काम आते हैं, है ना, उन सबको सिखाएंगे कि रेलवे में आपको कैसे ऑपरेट करना है, रेलवे कैसे फिर ऑपरेट करना है, कैसे टीसी का काम होता है, ऐसे वहाँ बहुत जो टेक्निकल रेलवे के काम होते हैं वो सब आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, उस क्षेत्र में भी आपको मिल जाएगा। फिर आपका फाइनेंस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर, बिना पैसा पैसा नहीं है कुछ भी नहीं है जेब में, पैसा होना बहुत जरूरी भैया, आज के समय में पैसा है सब कुछ है, पैसा ही भगवान है। आपका भाई भी आपकी कदर कब करेगा, आपके माँ बाप भी आपकी कदर कब करेंगे, जब आपकी जेब में पैसा होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बोलेंगे निगल के पुड़ावा दिन भर घर में खा खा के पूरा पलंग तोड़ता रहता है, कुछ कमाता धमाता क्यों नहीं है। इसलिए फाइनेंस पैसा, पैसे वाले क्षेत्र में आप काम करोगे बहुत सारे उसमें भी आपको ट्रेनिंग देंगे, है ना। अब फाइनेंस का बैंकिंग, अब बैंक के संबंधित काम कौन सा, जैसे बैंक से लोन लेना तो लोगों को आपको ट्रेनिंग देंगे तो आप लोन कैसे दिलवाएंगे, या बैंक में कैसे कैसे काम होते हैं, है ना, कौन कौन से प्रकार के लोन होते हैं बैंक से, हाउसिंग लोन से लेके एजुकेशन लोन से लेके उसके सबके बारे में ट्रेनिंग, बैंक से संबंधित जितनी भी सेवाएं होती है बैंकिंग सर्विस होती है उसकी ट्रेनिंग मिलेगी आपको। उसी प्रकार बीमा संबंधित, बीमा बहुत कंपल्सरी है ना, बीमा नहीं होगा तो कल से आपके पास कोई बीमा नहीं, मंदिर आकर आप कैसे खर्च करेंगे, तो इस सेक्टर में भी आपको, तो बैंकिंग बीमा लेखा मतलब लिखा परिवर्तन है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए उसके नीचे काम करना, सीए के बाद क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे जैसे कोई मकान में रजिस्ट्री करता है मकान की रजिस्ट्री कैसे होती है, कैसे टाइप करना, कैसे स्मार्ट बुकिंग करना, वो सब चीज़ सिखाते हैं, तो इसमें आपको बहुत सारी ट्रेनिंग सेक्टर मिलेगी। फिर मीडिया और कला, मीडिया जैसे आपने कहा ना न्यूज़ वाला फटाफट न्यूज़ रिपोर्टर बनना, न्यूज़ देना, आज भारत में ये हो गया जिसमें आपने कहा था कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना क्या है ना, या मैं कहीं पत्रकार बन के चला जाऊँ सबके पास कि भाई आज इस स्कूल में कितनी बिल्डिंग बन रही है, कितने बच्चे पढ़ेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे बताओ, है ना। तो मीडिया जो सबसे ज़्यादा आजकल भारत का चौथा स्तंभ, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहता है मीडिया, बहुत पावरफुल है, बहुत सम्माननीय है, मीडिया का हम सब सम्मान करते हैं। तो उस अगर मीडिया में आप चले जाओ आप देखते हो जी टीवी आज तक एबीपी बहुत सारी चैनल है जिसमें पत्रकार दिन भर आपको मिलेंगे, आपको बात करते हुए दूसरे समाचार दिखे, तो बहुत किसी भी तरह मीडिया क्षेत्र में आपको बहुत इज्जत रहती है, आप मीडिया का मन अगर कहीं भी जा सकते हो, है ना। मीडिया का अगर आपके पास कार्ड रहेगा तो आप कहीं भी किसी भी प्रश्न कर सकते हो, चाहे मंत्री हो मुख्यमंत्री हो, सबसे बात कर सकते हो, मीडिया बहुत पावरफुल है अच्छे समय, तो उसमें भी आप सीख सकते हो। आर्ट कला हाथ के द्वारा कुछ बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, पेंटिंग बनाना, ड्राइंग बनाना, उस टाइप की भी आप उसमें भी सीख सकते हो। कानूनी एवं विधि सेवाएं, कानूनी विधि सेवाएं, जाहिर फीस में क्या आपकी कैसे निकालना है सिखा देंगे, वो सब चीज़ें होती कानून में संबंधित, है ना, तो ये भी आप उसमें सीख सकते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण, कैसे बच्चों को पढ़ाना, कैसे शिक्षा देना, ये सबके बारे में भी आप इस क्षेत्र में ट्रेनिंग ले सकते हैं। फिर विनिर्माण, निर्माण संबंधित कार्य, मकान बनाना, दुकान बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सबके संबंध में कैसे वर्क होते हैं, व्यापार आदि के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस कैसे करें, कैसा अपना बिजनेस बढ़ाए, कैसे फैलाए, जैसे 703 सेक्टर है, मैं तो उतना बता ही नहीं पाऊंगा कितने सेक्टर है, तो सब में सरकार आपको जिसमें चाहिए उसमें, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे ना तो आपके सामने पूरी लिस्ट खुलेगी कि आपको कौन से क्षेत्र में आपको ट्रेनिंग लेना है, और जिसमें भी आप ट्रेनिंग में टिक करोगे उसके सामने जो प्रशिक्षण संस्था है उसकी लिस्ट आएगी कि ये ट्रेनिंग यहाँ मिलेगी, तो जो ऑनलाइन जाएंगे तो आपका सब ठीक है। चलिए अभी कब से प्रारंभ होगा, देखिए 7 जून से ट्रेनिंग देने वाले संस्थान पंजीकरण, पहले क्या करेंगे वो जो पोर्टल है सरकार का, उस पोर्टल के लिए जो ट्रेनिंग देगी संस्थाएं वो अपना पंजीकरण, ठीक है। 15 जून 23 से
युवाओं के लिए पंचमन प्रक्रिया प्रारंभ, ठीक है। 15 जून छोड़ हो गई, आज आपके 3-4 जुलाई हो गए, मतलब चल रहा है। तो 15 जुलाई से युवाओं का प्लेसमेंट होगा, ठीक है। 15 जुलाई से युवाओं का प्लेसमेंट होगा, मतलब आपको बस 15 जुलाई को आपको आवंटन हो जाएगा कि आपको ये वाली संस्था मिलेगी, आपको यहाँ जाकर ट्रेनिंग लेना। फिर 31 जुलाई तक सरकार और ट्रेनिंग सेंटर के बीच अनुबंध होगा, सरकार और जहाँ जो ट्रेनिंग मिलेगी ट्रेनिंग सेंटर आपस में एमओयू साइन करेंगे, हम बच्चों को ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, इतने दिन में सिखाएंगे, वो एक अनुबंध होगा, ठीक है। और 1 अगस्त 2023 से युवाओं को सीखना शुरू करना प्रारंभ हो जाएगा। ट्रेनिंग कब से प्रारंभ हो जाएगी? 1 अगस्त 2023 से आप ट्रेनिंग पे पहुंच जाएंगे। और अगस्त खत्म जैसे ही सितंबर आएगा, आपका 1 सितंबर का आपको पैसा मिल जाएगा, है ना। बारहवीं पास है तो 8,000, ITI है तो 8,500 बताया था ना कि आपको, डिप्लोमा है 2,000 और पीजी वो 10,000। ये आपको जैसे ही आप 1 अगस्त को वहाँ ट्रेनिंग पे जाएंगे आपको पैसे छाने, सबके पीरियड है कि 3 महीने तक की ट्रेनिंग है, 4 महीने की ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग है, 2 महीने की ट्रेनिंग है। जब आप भरोगे तो उसमें ट्रेनिंग का पीरियड भी आएगा, तो जब तक आप सीख जाओगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने75% राज्य सरकार देगी, मध्य शासन देगा, और 25% जो बचा आपका वो संस्थान देगा। मतलब अगर 10,000 लेना है तो 7,500 सरकार देगी, 2,500 को संस्थान देगा, सिखाने वाला बताओ कितनी बड़ी बात है। जो सिखा लिया वो भी देगी सरकार, तो देगी, बहुत बड़ी बात है। इसलिए इस योजना को बेटा बहुत बढ़िया योजना है, इस योजना को बहुत ध्यान से समझ लो, बार बार अपने दोस्तों को शेयर करो, और आपके लिए और कोई जानकारी चाहिए तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वो सफरनामा बाय मुकेश जैन अपने दोस्तों को बताओ, सबको शेयर करो। मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारी, इसमें आपको युवाओं की यही सारी चीजें लेकर आऊंगा, बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगा, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए आपको सीख लाऊंगा, सब लूंगा। इसमें जो जो आपके जीवन में सफरनामा, मतलब सफरनामा मतलब जिंदगी के सफर में जो जो भी आवश्यक चीज लगेगी मुझे, मैं आपके लिए लेके आऊंगा। इसलिए आप इसे देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते। जय हिंद।